जैसे कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, द वर्ल्ड वाइड स्मैश हिट टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स हैज कम टू एन एंड टुडे आफ्टर 8 सीजंस। मेरे लिए तो भाई ये कमाल तरीन शो था, मतलब नेक्स्ट लेवल। मैं तो इसका आसमान फाड़ फैन हूँ। लेकिन मैं जब भी अपने अराउंड लोगों से पूछता था कि भाई तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, तो सरप्राइजिंगली जितना बड़ा ये शो है उतना मेरे अराउंड लोग इसको लिफ्ट नहीं कराते थे। पता नहीं अबे क्या यार, नहीं पसंद मुझे जॉन अब्राहम, ये नहीं है मेरा स्टाइल, नहीं है ये ड्रैगन, ये तलवारें। अबे तो नहीं देखा तो क्या हो गया, कोई क्यामत आ गई क्या? बैंक मुझे लोन नहीं देगा, कंपनी जॉब नहीं देगी, बाप बेटी नहीं देगा, क्या हो गया भाई? हाँ नहीं देखा मैंने, नहीं देखना यार, मैंने नहीं देखना। ब्रो दो तीन एपिसोड देखे, घंटे घंटे के एपिसोड, मैं बोर हो गया, तीन चार एपिसोड के बाद कंटिन्यू नहीं करा मैंने। ब्रो मैं वो देखता हूँ, बार्बी एंड द प्रिंसेस। अब सीन ये है कि जितने भी लोग गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखते उन सबको मैं अपनी दिल की गहराइयों से एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं बोलना ही चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा करा कि आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा। मेरी मानो तो आगे भी मत देखना। क्यों? समझाऊं? क्या हाल है ब्रो? You see, even I was one of those people जिन्होंने तीन एपिसोड देख के शो बंद कर दिया था। क्या बकवास है, कौन ये नेट स्टार कौन है, अजीब, मतलब क्या चल रहा है? But then मेरे दो दोस्त इमाद और बारी मेरे पीछे जंगलियों की तरह पड़ गए थे यार। अबे भाई नहीं देखना, नहीं नहीं देखना, देखो गेम ऑफ थ्रोन्स, देखो। अरे बोल रहा हूँ, इसको एक दफा दिखाना बहुत जरूरी है, मैं कहता हूँ आज दिखा इसको। फजूल आदमी, तुम कैसे नहीं देखे? अबे तुम आज देखोगे, मैं जाने नहीं दूंगा, तुम देखोगे भाई, मैं देखोगे, मैं नहीं जाने दूंगा, खुद देख ले, मुझे नहीं देखना भाई, क्या करूंगा, नहीं देखना मुझे। चलो यार देख लेते हैं कि भाई किस चीज़ की हाइप है, सीन क्या है, मतलब एटलीस्ट तीसरे एपिसोड से आगे बढ़ जाते हैं, मतलब कुछ और देख लेते हैं, बाद में भले बंद कर देंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। All hail his grace, Joffrey of Houses Baratheon and Lannister, the first of his name. Of the Andals and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms, and Protector of the Realm. एक वीकेंड में, एक वीकेंड मतलब कितने घंटे होगा? 24 घंटे का एक दिन, 48 आवर्स के दो दिन, 62 आवर्स के तीन दिन, 62 आवर्स में मैंने चार सीजन, मतलब 40 घंटे निपटा डाले। मतलब भाई जब मैं चौथे एपिसोड से आगे बढ़ा मेरा दिमाग फट गया। बारी और इमाद को मैंने झपियां दी, शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। नेवर हैज एनी सीरीज प्लेड विद माई इमोशंस दिस मच। व्हाट इज लाइफ यार, व्हाट इज लाइफ। ठीक है ओके, गिव मी टू मिनट्स। दो मिनट में मैं आपको शो की बेसिक स्टोरी बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक बताता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ये कमाल लग रहा है नहीं लग रहा, वो आपके ऊपर है, बस मुझे दो मिनट दे रहे हैं। ओके, हियर इट गोस। द स्टोरी ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स बिगिंस इन द फिक्शनल कॉन्टिनेंट ऑफ वेस्टरोस, व्हिच इज डिवाइडेड इन 7 किंगडम्स, ऑल रूल्ड बाय किंग एरिस टू टारगेरियन, द 17th किंग ऑफ द टारगेरियन फैमिली रूल। किंग एरिस के डायरेक्टली नीचे आते हैं दो लोग, द हैंड ऑफ द किंग, हु इज बेसिकली द चीफ एडवाइजर टू द किंग, and the Lord Commander of the King's Guard, who is basically the leader of the King's Army. इस story के शुरू होने के वक्त the Hand of the King is Tywin Lannister, and the Lord Commander is his son, Jaime Lannister, both belonging to the very, very, very मतलब तबाहकुन rich Lannister family of Westeros. Furthermore, the King Aerys has several children, but इस कहानी में सबसे अहम हैं उसके तीन बच्चे, the oldest and the next in line to become King, Rhaegar, his little brother Viserys and their sister Daenerys. Now, the rule of Aerys Targaryen initially brings a lot of peace and prosperity to Westeros. Sare kingdoms khush khush aur Aerys bhaijaan bhi apne aap ko kafi akalmand sabit karte hue.
But then, something very weird starts to happen. Suddenly, Eris Bhaijan starts to lose his mind and gets obsessed with wildfire, which is a sort of a hotter, greener version of the normal fire. जहाँ पहले एरिस भाई मसले मसाइल डील करने में काफ़ी स्टेबल हुआ करते थे, अब उनको अगर कोई थोड़ा भी बुरा लगता था तो वो उनको फौरन जलाने पे आ जाते थे. Burn them all, he had started saying. Burn them. In the meantime, Rhaegar, the eldest son of King Aerys, who by the way was already married to someone else, presents a lovely rose to Lyanna Stark, sister of Ned Stark, who was basically the lord slash provincial governor of the Kingdom of the North. Not only does Rhaegar express his love to Lyanna, but he also eventually kidnaps her and disappears. This deeply angers Ned Stark, and it also angers his best friend Robert Baratheon, जिनकी पहले से हो चुकी थी लियाना बाजी से बात पक्की. As a response, Robert and Ned send Ned's father and brother to the king, asking for the instant release of Lyanna. But Mad King Aerys directly looks at the two Starks of the North and yells, "Burn them all!" And this begins a war. Ned Stark और Robert Baratheon ने फिर निकाली अपनी बड़ी बड़ी आर्मियां, निकल पड़े किंग एरिस और उसके रूल को तबाह बर्बाद करने. And in the meantime, the Mad King becomes madder and madder. Burn them all! Burn them all! Robert Baratheon finds the king's son, Rhaegar, and after a heated battle, he manages to kill Rhaegar. Burn them all! Burn them! Burn them all! Ned Stark finds about the location of his sister Lyanna, and after a small battle, he finds his sister dying. By this time, the Mad King had become as mad as it gets. He becomes so mad that he asks Jaime, the Lord Commander, to kill his own father, Tywin, the Hand of the King. The armies of Ned Stark and Robert Baratheon reach the gate of the King's castle and the battle continues. Meanwhile, Jaime, instead of putting an end to his father, decides to put an end to the madness and kills the Mad King. Robert Baratheon, the guy whose wife had been taken away from him and killed, becomes the first Baratheon king and decides to kill every Targaryen he could find. Fearing their death, the only two remaining children of King Aerys, Daenerys and Viserys, are secretly sent to a land far, far away. And now, 10 years later, the Targaryen rule has long ended and Robert Baratheon is just about to die. And at this point, shuru hota hai Game of Thrones Season 1 Episode 1. What follows is literally a power-hungry game of taking over the throne between the Starks of the North, the rich Lannisters, the brothers of dead King Robert and the two remaining Targaryens far across the world, all the while facing the deadly threat of ice zombies. And aaj is game ka final episode. Aaj, after 8 long seasons, we're gonna finally find out who gets the throne. Lekin the main reason because of which I wanted the world to watch this show was not the epic story or the epic struggle to get the Iron Throne, but it was something different. What was it? मैं बताता हूँ. यू सी, मैंने ये शो देखना स्टार्ट करा था व्हेन 4 सीजन्स हैड ऑलरेडी बीन रिलीज्ड, एंड फिर सीजन 5 से मैंने इसको इसके रिलीज के वक्त पूरी दुनिया के साथ एपिसोड बाय एपिसोड फॉलो करना शुरू किया. एंड जब मैंने इसे प्रॉपरली फॉलो करना शुरू करा, मैंने एक चीज़ फील करी जो मैंने कभी जिंदगी में फील नहीं करी हुई थी, मतलब कभी भी नहीं. जब भी गेम ऑफ थ्रोन्स का नया एपिसोड आता था, I could literally feel कि almost the entire world is watching it with me. जहाँ देखो, you'd only see Game of Thrones.
मतलब पूरी दुनिया की हर जबान में, हर मुल्क में धड़ाधर गेम ऑफ थ्रोन्स के मीम्स, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, ट्वीट्स डिस्कसिंग गेम ऑफ थ्रोन्स थ्योरीज, लीक्स. यूट्यूब वुड फिल अप विद पीपल रिव्यूइंग द शो, रैंटिंग अबाउट व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डोंट लाइक, एंड ऑफ कोर्स मोर थ्योरीज, मोर लीक्स एंड मोर थ्योरीज. द वर्ल्ड वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस सो मच दैट इवन ब्रांड्स वुड हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस इन देयर एड्स. इट वॉज लाइक अ प्रॉपर ग्लोबल डिजिटल इवेंट. You'd feel like you're a part of this huge group of people fighting for one cause. And in a world jisme hum har dusre bande se differences nikalne mein lage hue hain, it's something absolutely next level. So while Game of Thrones is in fact a fantastic show, the real reason I wanted the world to watch it is to feel this connection. And ab main is global event ka last and final episode dekhne laga hu. ख़त्म हो रहा है शो, अब मतलब अब एंड हो रहा है. अब अगर आप ये शो देखते हैं तो आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो फील नहीं कर पाएंगे जो पूरी दुनिया ने इसको साथ देखने में फील करा है. सो आई वुड से वेट फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग दैट ब्रिंग्स आवर वर्ल्ड टुगेदर एंड डोंट वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स. And on that note...